ये तो आज जो हम बात कर रहे थे वो कल का कुछ रह गया था सिस्टम्स, ये पार्किंग तक हो गया था। कुछ और बेसिक चीज देखते हैं क्या होता है, कुछ और स्टैंडर्ड्स देखते हैं कैसे क्या स्टैंडर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट जो था वो है टॉयलेट्स के स्टैंडर्ड्स। अपने जो कल अपन सब चीज स्टैंडर्ड देखे थे, पार्किंग का स्टैंडर्ड भी देखा था और जो हैबिटेबल रूम थे उनके सबके स्टैंडर्ड्स देखे थे। टॉयलेट्स की बात, टॉयलेट्स के अंदर क्या मिनिमम डायमेंशन है, 1.5 मीटर एंड 1.75 मीटर होता है। मिनिमम 0.9 क्लियर क्लियर ओपनिंग ऑफ डोर एंड शुड बी ओपन आउटवर्ड, और माउंटिंग हाइट ऑफ डब्ल्यू सी शुड बी 500 mm। ये पीएच के बारे में आपको बता रखा है क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ये लिफ्ट के अंदर बता रखा है, लिफ्ट की अगर इंटरनल डेप्थ की बात करें तो 1.1 मीटर, इंटरनल विथ की बात करें 2.2 मीटर, एंड एंट्री विथ 0.9 मीटर। ओके, या कुछ बता रहा है स्टैंडर्ड्स, जैसे आपके डब्ल्यू सी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 450, 450 mm, एंड वॉश बेसिन इज 750 mm, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है 2.5 फीट हो गया। एंड ये जो कांच होता है दैट इज 3 900 mm अप्रोक्सीमेटली 3 फिट। तो 25 इंच, 25 mm दैट इज इक्वल टू 1 इंच। ओके, एंड 300 mm दैट इज इक्वल टू 1 फीट, अप्रोक्स अप्रोक्स डाटा ये होता है। 300 mm को अपन 1 फीट ले लेते हैं, 900 mm था, दैट इज 3 फीट। ओके, एक स्टैंडर्ड हाइट होगी। क्या बता रहे आपको, पीएच की बता रहे, पीएच टॉयलेट जो होता है ना, फिजिकल हैंडीकैप, पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप। उनके लिए एंट्री करने के बाद उनकी जो व्हील चेयर के राउंड करने के लिए भी इतना एक जगह चाहिए होती है, व्हील चेयर पूरी राउंड होगी, कितनी डायमीटर होती है राउंड, इतना एक डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हर के बीच की डिस्टेंस कितनी, क्लियर डिस्टेंस, वो कहना कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोलर पैनल में बता रखा है वाटर हीटिंग, बस सोलर पैनल इज कंपलसरी इन दीज बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, होटल एंड गेस्ट हाउस, हॉस्टल, कम्युनिटी सेंटर, सोलर एनर्जी प्लांट शुड हैव कैपेसिटी ऑफ 25 लीटर पर पर्सन फॉर बाथिंग एंड 10 लीटर पर पर्सन फॉर किचन सर्विसेज। कम्युनिटी सेंटर सोलर एनर्जी प्लांट के अंदर क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए 25 लीटर पर पर्सन फॉर बाथिंग एंड 10 लीटर पर पर्सन फॉर किचन सर्विसेज। क्या बोलेगा पार्किंग के बारे में, क्या पार्किंग के नॉर्म्स वगैरह हैं जो अपन ऑलरेडी पहले देख चुके थे। तो ये बता रहे कि पार्किंग में प्लॉट एरिया कितना होना चाहिए, फिर रेजिडेंशियल के अंदर बात की तो प्लॉट एरिया अप टू 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर तो प्लॉट एरिया होगा। तो प्राइवेट और कम्युनिटी पर पार्किंग स्पेसिस कहाँ देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जब प्लॉट एरिया 100 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर तक प्लॉट एरिया आपके पास है तो उसके अंदर ओनली आपके पास कम्युनिटी पार्किंग स्पेस आएगी, प्राइवेट नहीं आ सकती, ओनली कम्युनिटी पार्किंग स्पेस ही आएगी। 200 से लेकर 300 तक है तो उसके अंदर क्या है, ओनली कम्युनिटी पार्किंग स्पेस ही आएगी। उसमें भी 300 से 500 तक है तो इसके अंदर आपको क्या, मिनिमम 1/3 ऑफ ओपन एरिया फॉर पार्किंग, 1/3 जो एरिया पार्किंग को देना होगा। फिर 500 से 1000 तक के लिए क्या होगा, 1/4 एरिया हो जो पार्किंग के लिए जा सकता है। और अगर प्लॉट एरिया 1000 से ऊपर है, 1000 तक है, मिनिमम 1/6 ऑफ द स्पेस एरिया फॉर पार्किंग। टेबल बना के हमको पार्किंग बताई गई कितनी स्पेस के लिए कितना पार्किंग हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक्सटीरियर ओपन स्पेस कुछ बताया गया इंपॉर्टेंट टर्म से, कुछ एक्सटीरियर ओपन स्पेस क्या होता है, सिंपल सी बात है, सेटबैक कैन बी एक्सप्लेन एज द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। कोई अपन बोला ही था किसी बिल्डिंग के अंदर जो कुल ना जो आपका प्लॉट एरिया है, और आपने जहाँ बिल्डिंग बनाई है आपको फ्रंट है, ये रोड जा रही है, तो आप जो बिल्डिंग आपकी मेन बिल्डिंग है तो आप चारों तरफ या तीन तरफ, दो तरफ को छोड़ता है, कोई एक तरफ ही छोड़ता है, तो जो आप डिस्टेंस छोड़ते हो, ये जगह छोड़ते हो, दैट इज नोन एज सेटबैक। जगह है अरे, ये सब क्या सेटबैक कहलाता है, तो अपन एक्सटीरियर ओपन स्पेस भी कहते हैं सेटबैक। द डिस्टेंस इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द स्ट्रक्चर स्टे अवे फ्रॉम रोड, वाटर बॉडीज और अदर बिल्डिंग। तो जो बाहर रोड है उससे थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, और अगर कोई पास में तो कोई वाटर बॉडी है तो उससे डिस्टेंस पे रहेगा। या फिर पास में मेनली बात करें तो हम घरों की, तो वहाँ पर पास में हमारी बिल्डिंग्स होती है तीनों तरफ या दोनों तरफ। अगर कॉर्नर का घर नहीं है तो तीनों तरफ बिल्डिंग होगी, कॉर्नर का घर दो तरफ बिल्डिंग होती है, इनसे भी क्या डिस्टेंस हो जाती है, तो एक सेटबैक छोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, खैर एक चीज का डिस्टेंस मेंटेन रख सके। ठीक है, ये हो जाता है, ये देखो बताया भी यहाँ पे, ये जो घर है इसके अलावा देखो आगे जो स्पेस छूट रही है इस साइड में आगे, ये सब क्या है, सेट बैक का कहलाता है, ये पीछे जो जगह छूट रही है सेट बैक। ठीक है, क्या बोला गया, प्रोजेक्शन इनटू ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस के अंदर जो इतने प्रोजेक्शन होते हैं वो बोला गया, प्रोजेक्शन कितने कहते हैं,
Every interior exterior open space shall be kept free from any erection theorem thereon and shall be open to sky. जो एक्चुअली ओपन स्पेस था सेट बी ओपन टू स्काई रहेगा नथिंग एक्सेप्ट कॉर्निस छज्जा और वेदर शेड या फिर हो सकता है शेड होंगे कॉर्निस वगैरह आएगी तो वो आ सकती है और या फिर पैरापेट वॉल जो आएगी बाहर तो वो तो आएगी आएगी नॉट मोर देन 0.75 मीटर. अब ये 0.75 मीटर ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए. शेल ओवरहैंग और प्रोजेक्ट ओवर द सेट ओपन स्पेस सो एज टू रिड्यूस द विथ टू लेस देन द मिनिमम रिक्वायर्ड. कैनोपी और कैनोपी इज ईच नॉट एक्सेडिंग 4.50 मीटर. कैनोपी होगी 4.50 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए इन लेंथ एंड 2.40 मीटर इन विड्थ इन द फॉर्म ऑफ कैंटिलीवर और कैंटिलीवर्स फॉर द मेन एंट्रेंस एंट्रेंसेस प्रोवाइड अ मिनिमम क्लियर हाइट ऑफ 2.2 मीटर बिलो द कैनोपी. तो बोला कि जब अपन एंट्रेंस होते हैं तो एंट्रेंस के हमारे क्या एक वो आपने देखा होगा एक शेड के लिए हम लगाते हैं जहाँ हमारे पार्किंग वगैरह होती है तो उसकी लेंथ इंटू हाइट बढ़ेगी तो उसकी जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो 4.5 मीटर और 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो जिसकी हाइट होती है नीचे से लेकर ऊपर ग्राउंड से लेकर इस तक की हाइट वो कितनी होनी चाहिए 2.2 मीटर तक होनी चाहिए. ये सब हम यूज़ कर सकते हैं बोल रखा है. कैनोपी जो होती है कैनोपी देखो बता भी रखा है तो घर के अंदर ही बता रखा है देखो छज्जा बना रखा है दिस इज नॉन इज कैनोपी इसकी हाइट बता रखी है इसके बारे में कुछ बता रखा है ठीक है. बाकी ये जो टेबल अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे अभी ऊपर की तरफ कल वाले लास्ट लेक्चर में आपने लास्ट लेक्चर नहीं दिखा जरूर देखना. लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन सभी को डिस्कस किया था ये जितनी भी चीज़ थी कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग हैबिटेबल रूम किचन पेंट्री इन सब की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है वो भी आपको यहाँ मैंशन कर रखी है स्टैंडर्ड साइज क्या होती है ये सब चीज़ आप देख सकते हो ठीक है. उसके बाद जो है आपको बोल बोला है कि साइड एंड रियर ओपन स्पेसेस साइड और रियर ओपन स्पेस देखते हैं तो हाइट ऑफ बिल्डिंग देखिए लेफ्ट अराउंड द लेफ्ट अराउंड द बिल्डिंग मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग सिंपल बोला है कि अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 है तो 10 मीटर अगर हाइट है तो हाइट के हिसाब से बोला है कि आपको कितनी क्या सेटबैक आप छोड़ोगे सेटबैक लेफ्ट अराउंड द बिल्डिंग तो सेटबैक आप कितनी स्पेस छोड़ोगे तो हाइट अगर 10 मीटर हाइट बिल्डिंग जा रही है तो आप क्या 3 मीटर तक सेटबैक छोड़ोगे 15 हाइट तक जा रही 15 मीटर तो आप सेटबैक छोड़ोगे 5 मीटर तक छोड़ोगे. अगर 18 मीटर हाइट बैग है तो सेटबैक कितना होगा 6 मीटर सेटबैक 21 मीटर हाइट है तो कितना 7 मीटर सेटबैक 24 मीटर हाइट है तो कितना 8 मीटर सेट बैक 30 है तो कितना 10 40 है तो कितना 12 50 है तो कितना 14 50 53 से अबव है दैट इज 16. ये बता रहेगा आपको कि आपकी कितनी क्या है रहने वाली ठीक है. आयुष क्या रिजल्ट ले आओ भैया. अरे रिजल्ट अगर लाना एक्चुअली के अंदर मेरे पूरा 100% मेरे हाथ में होता जब कब कहा जाता वही जल्दी आएगा रिजल्ट को दिक्कत नहीं है जल्दी हमको देखने को मिलेगा रिजल्ट. फ्रंट ओपन स्पेसेस विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फ्रंटिंग इन प्लॉट मीटर बता रहेगा देखो अब आगे जो आपके फ्रंट का जो रोड होती है रोड की जितनी विड्थ होती है उसके हिसाब से बात करिए अगर वो 7.5 मीटर तक है ओके रोड आगे स्ट्रीट तो आपकी जो स्पेस होगी फ्रंट वाली स्पेस ये तीन तीन तरह की थी आगे पीछे और साइड में तीन स्पेसेस थी. फ्रंट वाली स्पेस डिपेंड करता रोड के ऊपर रोड 7.5 मीटर तो 1.5 मीटर 7.5 से 7.18 मीटर तक है तो 3 मीटर 18 से 30 मीटर तक रोड की विड्थ है 4.5 मीटर आगे जगह छोड़ेंगे 30 से अबव है तो 6 तक जगह छोड़ेंगे आगे ठीक है सब बता रखा है. और फिर आपको यहाँ बेसमेंट के बारे में कुछ चीज़ बता रही है बेसमेंट के लिए बता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट शैल बी अलाउड फॉर अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लैंड यूज एंड अदर प्रोविजंस फीचर अंडर द मास्टर प्लान जोनल प्लान ये सब होता है. बेसमेंट के लिए भी आप बताया गया कितने पार्ट के अंदर कितनी हाइट होनी चाहिए 2.5 मीटर कम नहीं होनी चाहिए ठीक है. मेजर हाइट नॉट मोर देन 4.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए 2.5 मीटर मेजर हाइट 4.5 मीटर ये बोला गया आपको. अच्छा ऐसा ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना ही था आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं अपन क्या कुछ बीएमसी के अंदर कुछ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं मटेरियल क्या कहते हैं. भाई मटेरियल तो बहुत सारे हैं अगर अपन देखें यहाँ पर तो आप देखोगे तो आपको यहाँ मटेरियल बहुत सारे मिलेंगे. ये दिस इज हमारे पास जो बुक है एरियन वाली बुक उसके अंदर आपको सब मटेरियल मिल जाते हैं यहाँ पर. पहला बार अभी ग्लास के बारे में ग्लास यूनिफॉर्मली अमोर्फस सॉलिड मटेरियल प्रोड्यूस बाय द कूलिंग ऑफ विस्कस मोल्टन मटेरियल एक्सेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग साउंड. ग्लास के लिए कहा एक्सेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग साउंड साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जब आते हैं तो उसके अंदर ग्लास भी एक ऑप्शन रहता है. ग्लास वाला ऑप्शन ना दिखे उसको टिक लगाएं आप.
रिफ्लेक्टिव मटेरियल के लिए। विजिबिलिटी मटेरियल बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में यूज लिए जाते हैं, सच एज रॉक हो गया, सैंड, वुड, ठीक है, लीव्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम नेचुरली अकरिंग मटेरियल, मैनी मैनमेड मटेरियल, कुछ कुछ मैनमेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो काम में लिए जाते हैं, लेस सिंथेटिक भी होते हैं। इस मटेरियल प्रोवाइड कीप अप ऑफ हैबिटेट्स एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग होम्स। कंपोनेंट्स ऑफ ग्लास, अब देखो ग्लास के बारे में कुछ बताया गया है, क्या बोला ग्लास के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ ग्लास, ग्लास के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्लास इज कंसिस्ट ऑफ प्योर सिलिका, किसकी से बना होता है, सिलिका से मिलकर बना होगा, एक सोडियम कार्बोनेट होगा उसके अंदर ना, सिलिका सोडियम कार्बोनेट, लाइम होगा, मैग्नीशिया ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड होता है, बैरियम, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ऑल दिस कंपोनेंट हेल्प द ग्लास टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, टाइप ऑफ ग्लास, अब टाइप सी ग्लास, अलग टाइप्स होते हैं, पायरेक्स, वायर, टेम्पर, टिंटिंग, इंसुलेटेड, लेमिनेटेड, डिफ्यूज, सोलर। अरे की प्रॉपर्टी दे रखी है कि पायरेक्स की ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है, वायर्ड ग्लास इट कैन विदस्टैंड इम्पैक्ट ब्रेकेज, टेम्पर्ड ग्लास इज स्ट्रॉन्गर एंड फ्लेक्सीबल, टिंटिंग ग्लास रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट सेल्फ, जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है उसको कम कर देगा, इंसुलेटेड ग्लास प्रोवाइड्स अ गुड एकोस्टिक्स, लेमिनेटेड ग्लास एक्ट एज अ सेफ्टी ग्लेजिंग मटेरियल, डिफ्यूज ग्लास रिफ्लेक्शन ग्लास हेल्प इन ग्लेजिंग द पिक्चर्स, सेल्फ कंट्रोल, सोलर कंट्रोल ग्लास रिड्यूस लाइट ट्रांसमिशन। तो प्रॉपर्टी आपको दी जाती है आपको ग्लासेस की, ठीक है, ग्लास इज वाइडली यूज इन फॉलोइंग एक्टिविटीज, एनग्रेविंग, ग्राइंडिंग, सैंड ब्लास्टिंग, गिल्डिंग, एसिडिटिंग, सिल्वरिंग। देखिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, क्या वुड, वुड के बारे में बताया गया, वुड, वुड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द होम कंस्ट्रक्शन, यूज इज लेस ओवरऑल एनर्जी देन अदर प्रोडक्ट्स, वाजेस फ्यूर एयर, वाटर इंपैक्ट एंड अदर बेटर जॉब्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दैट कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। दो तरह की मेनली डिवाइड किया गया, हार्ड वुड होती है, सॉफ्ट वुड होती है, ऑब्टेन फ्रॉम वेरी एक्सिग्नस ट्रीज, डेंस क्लोज ग्रेन, हैवी स्ट्रॉन्ग, हैवी इन वेट, डार्क कलर, रेजिस्टेंट टू फायर। तो ट्रीज की बता रही है आपको कि ऐसा ऐसा कुछ हार्डवुड होती है, सॉफ्ट वुड की बात की तो ऑप्टेन फ्रॉम वेराइटी ऑफ एक्सिग्नस ट्रीज इज वीक, लाइट एंड वेट एंड कलर, सिंपल वही हार्ड एंड रोड। मेनली जो बात करें, ये ज़्यादा एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा नहीं, कितने टाइप्स की क्या क्या चीज़ें हैं, सिंपल आएगा तो क्या आएगा, ये कुछ आ सकता है कि टाइप्स ऑफ ट्रीज के आप कलर बता दो या लोकेशन बता दो, ये जो है एनी अर्जुन, इनके कलर्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो चीज़ आपको लिख रहेगी कि कुछ यूजेज हैं। जैसे बम्बूल की बात करते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अधिकतर चीज पाई जाती है। अगर सबके सब ट्रीज भी याद ना कर पाए, एटलीस्ट वो ट्रीज तो याद कर ही लें जहाँ पर कि आपको जो जो कॉमन नाम है, नाम कॉमन है, जैसे बबूल हो गया, बेम्बू हो गया, ठीक है ना, जैसे वायन ट्री हो गया ब्राउन कलर, ब्रॉट इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, कुछ मैंगो ट्री हो गया डीप ग्रे, ब्रॉट इंडिया, ठीक है, तो किस चीज़ के लिए पाया जाता है, तो अगर बायन ट्री बात करें दैट इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, अंडर ऑनली अंडर वाटर, एरियल रूट्स ऑफ इज यूटिलाइज एज टेंट पोल्स एंड वेल क्यूब्स। मैंगो ट्री इज वेल नोन फॉर इट्स फ्रूट्स, इजी टू वर्क एंड मेंटेन इट्स शेप वेल, इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, मोर ऑफन यूज टू चीप फर्नीचर, टॉयज, पैकिंग, बॉक्सिंग, कैबिनेट वर्क, पैनल फॉर डोर्स एंड फॉर विंडोज। पाम ट्री हो गया डार्क ब्राउन थ्रू आउट इंडिया, ओके, कंटेन ड्राई वुड इन आउटर क्रस्ट, कलर्स ऑफ दिस ड्राई वुड इज डार्क ब्राउन, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, पाम यूज फॉर फर्नीचर, रूफ कवरिंग एंड राफ्टर जॉइस्ट्स। एडसडार रोज वुड हो गया, साल, सीसो, ये साल का पेड़ हो गया ब्राउन कलर, सीसो का पेड़ हो गया डार्क ब्राउन कलर, इतना इतना याद रखें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ब्रिक्स वाले बोला गया, देखो ब्रिक्स मॉडल रेक्टेंगुलर ब्लॉक, सिंपल सी बात की गई, ब्रिक्स की अगर बात करें तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ब्रिक्स, ठीक है, ये कोई आपने देखी होगी ऐसी कुछ होती है बीच में नाम लिखा होता है जो भी कंपनी की ब्रिक है ना, थोड़ा सा एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप नाम लिखा होता है जिस भी कंपनी की ब्रिक है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ क्ले, क्ले मिट्टी बनाया जाता है, बैक्ड बाय द सन, तो वही आप देखा होगा इसको पकाया भी जाता है, सेकअप जाता है, अंटिल हार्ड यूज इज अ बिल्डिंग एंड पेविंग मटेरियल। कंस्ट्रक्टिव ब्रिक्स याद करते हैं किस चीज़ से बना होता है, क्या क्या चीज़ अंदर होती है, कि मोटा मोटा याद रखें जैसे एक एल्यूमिना, सिलिका, लाइम,
ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम। बात करें तो गुड़ ब्रिक शुड कंटेन अबाउट 20-30%, ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज याद रखें बस, ये लाइन 20-30%। उसमें क्या है, एलुमिना होता है, बिक कैन इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड। वो क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिलिका गुड ब्रिक कंटेन अबाउट 50-60% ऑफ सिलिका, इतना ये कीवर्ड मिल गया। सिलिका कितना, 50-60% सिलिका होगा, प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड क्रैपिंग रॉ ब्रिक्स, थस इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक्स। लाइम बात करते हैं, ग्रुप बी कंटेन मैक्सिमम ऑफ 5% लाइम, 5% लाइम, इसका शो प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक्स। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ग्रुप गुड ब्रिक शुड कंटेन अबाउट 5-6% ऑफ आयरन ऑक्साइड, 5-6% आयरन ऑक्साइड होता है याद रखना ना, 5-6% आयरन ऑक्साइड होगा इसमें, ठीक है। इम्पार्ट रेड कलर, आयरन ऑक्साइड का काम क्या होगा, रेड कलर इम्पार्ट करना, ब्रिक को रेड कलर का आयरन ऑक्साइड की वजह से देता है रेड कलर टू द ब्रिक। मैग्नीशियम, स्मॉल क्वांटिटी मैग्नीशियम इन ब्रिक इम्पार्ट येलो कलर, ब्रिक के अंदर कुछ येलोइश येलोइश जो कलर आता है वो किसकी वजह से, मैग्नीशियम की तरफ से आता है टिंट। ब्रिक्स एंड डिक्रीजेस श्रिंकेज, रेड कलर किस लिए आता है, येलो कलर के साथ कितने 5-6% यूज करने से आता है, ये थोड़ा सा हमको याद रखना है ना। तो रो ब्रिक्स का श्रिंकेज किसकी वजह से रुक रहा है, एक तो लाइम की वजह से और एक मैग्नीशियम की वजह से, ये श्रिंकेज को डिक्रीज करते हैं। ब्रिक का क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ब्रिक बोला गया, देखो मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। सिंपल है, क्लास ब्रिक डिवाइड कर रखी है, आपने देखा होगा बिल्डिंग भी टाइप्स की होती है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, सेकंड क्लास बिल्डिंग है ना, और एक थर्ड क्लास बिल्डिंग होती है और एक फोर्थ क्लास बिल्डिंग होती है। सब डिपेंड करता है कौन कौन से मटेरियल, क्लास क्लास डिसाइड किस होती, क्लास डिसाइड होती है मटेरियल से कि कौन से मटेरियल आप काम में लिएगा, आप चाहे मड सेव कर रहे हो प्लास्टर, या फिर आरसीसी का आपने जो है अच्छे से वहाँ सीमेंट प्लास्टर किया है, मड प्लास्टर किया है, कि आपने फुटिंग और फाउंडेशन जो डाली है वो ब्रिक से, स्टोन से, क्या यूज़ की, कौन सी क्लास की ब्रिक यूज़ की आपने, ठीक है ना, आपने दीवारें किससे बना रखी है, ग्रैमडर से बना रखी है, फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक से बना रखी है। हर चीज़ डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, सेकंड क्लास से डिसाइड होती है, किससे मटेरियल से डिसाइड होती है। फर्स्ट क्लास इसके लिए बोला, दीज आर टेल मोल्डेड स्टैंडर्ड शेप एंड दे आर बर्न इन किट्स, दीज ब्रिक्स आर यूज फॉर सुपीरियर वर्क ऑफ परमानेंट नेचर। सेकंड क्लास बोला, दीज आर ग्राउंड मोल्डेड एंड दे आर बर्न इन किन, कॉमनली यूज इन प्लेसेज वेयर ब्रिक्स इज वर्क टू प्रोडक्ट विद कोस्ट ऑफ कोट ऑफ प्लास्टर। थर्ड क्लास ब्रिक बोला गया, दीज आर ग्राउंड मोल्डेड एंड दे आर इन क्लैम्प्स, दे आर यूज फॉर अनइम्पॉर्टेंट एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर एट प्लेसेज वेयर रेनफॉल इज नॉट हैवी। फोर्थ क्लास ब्रिक बोला गया, दीज ब्रिक्स आर ओवरबर्न विद इररेगुलर शेप एंड डार्क कलर एंड आर यूज एज एग्रीगेट फॉर कंक्रीट इन फाउंडेशन फ्लोर रोड एक्सेट्रा, ऐसे एग्रीगेट का काम करती है, यूज द एग्रीगेट फॉर कंक्रीट इन फाउंडेशन फ्लोर रोड एक्सेट्रा, फाउंडेशन फ्लोर्स में, रोड्स में एक्सेट्रा में, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया क्या, सीमेंट के बारे में, सीमेंट इज बिल्डिंग मटेरियल मेड बाय ग्राइंडिंग कैल्साइंड लाइमस्टोन एंड क्ले टू फाइन पाउडर विच कैन बी मिक्सड इन वाटर एंड पाउडर टू सेट अ सॉलिड मास। सीमेंट इज यूजुअली ग्रे इन कलर बट व्हाइट सीमेंट ऑल्सो बी ऑब्टेन। सीमेंट की अगर बात करते हो, सीमेंट किस चीज से बनाया जाता है मेनली, वो याद करें कंपोजिशन देखें इसका, क्या कंपोजिशन होता है मेनली, जो कॉमन घरों में काम आती है वो होती है कौन सी, पोर्टेंट सीमेंट होती है, जो हमारे ग्रीनली जो सिंपल अधिकतर काम लेते हैं, कौन सी पोर्टेंट सीमेंट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सीमेंट एंड वाटर इज प्रोसेस नॉन एज हाइड्रेशन। ऑर्डिनरी सीमेंट, बहुत टाइप्स ऑफ सीमेंट आपको बता रही है, ऑर्डिनरी सीमेंट होती है मॉडिफाइड, हाइड अलग टाइप की जो सीमेंट है। अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये कुछ आपको जो डेटा दिया गया है, सोर्स ऑफ डेटा बता रखा है। सीमेंट कैसे बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग देखो, प्रोसेस देखते हैं क्या इसका प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है बनाने का। स्टार्ट विद लाइम स्टोन द बेसिक रॉ मटेरियल बींग ट्रांसपोर्टेड टू द सीमेंट प्लान, देखें तो क्या है, स्टार्ट विद लाइम स्टोन द बेसिक रॉ मटेरियल, देखें द लाइम स्टोन इज कम्बाइंड विद क्ले ग्राउंड, लाइम स्टोन क्या पहले से क्या उसको क्ले के साथ मिलाया जाता है, क्रश एंड फीड इन टू द एडिसिव सोइल्स, सैंड आयरन एंड बॉटम ऐश, सैंड आयरन एंड बॉटम ऐश इन अ कंट्रोल्ड रेशियो, लाइम स्टोन एंड क्ले इन विच थिन ग्राइंड इन टू अ फाइन पाउडर। मतलब किया क्या, जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट थे, जब भी देखा अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूंट क्या करना पड़ेगा, फिर एक के साथ मिलाया सब, ठीक है। उसके बाद क्या करा उनको, सैंड आयरन एंड बॉटम ऐश, ये तीन से चार चीज़ जो है इन्हें कंट्रोल्ड रेशियो, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है सब चीज़ों को, उस रेशियो के अंदर हर एक चीज़ का आपको मिलाना पड़ता है, ठीक है। लाइम स्टोन और क्ले के अंदर विच इज देन थिन ग्राइंड, उसको क्या करा एकदम ग्राइंड ग्राइंड करा जाता है इन टू अ फाइन पाउडर, मतलब बिल्कुल बारी बारी पाउडर के अंदर क्या उसको एक पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है। इन सबको मिलाने के बाद, ये सब पाउडर फॉर्म में पहले नहीं था, तो फिक्स रेशियो मिलाकर सबको पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट फाइन पाउडर को क्या करना पड़ता है, हीट किया जाता है, हीटिंग क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट कॉल क्लिंकर। फाइन पाउडर को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद फाउन पाउडर किसमें, क्लिंकर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लिंकर बोले तो क्लिंकर एक छोटी छोटी बॉल्स होती है, बॉल्स
करके छोटी छोटी बॉल्स टाइप में, एक पाउडर फॉर्म छोटी छोटी बॉल्स टाइप में कन्वर्ट हो जाता है बॉल्स में। फिर क्लिंकर को कंबाइन किया जाता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम। क्लिंकर के अंदर क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम मिला जाता है एंड लाइम स्टोन एंड फाइनली ग्राउंड इन अ फिनिशिंग मिल। फिर उसको क्या फिर वापस क्या एकदम वापस पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है। क्लिंकर बनाया गया उसको वापस पाउडर फॉर्म के अंदर कर दिया जाता है, बिल्कुल वापस पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है क्लिंकर के अंदर जिप्सम और मिलाने के बाद। तो क्लिंकर के अंदर क्यों बनाया गया, बिकॉज ये जिप्सम मिलाना था इसके अंदर। जिप्सम पता क्या काम करता है, जिप्सम हमने देखा होगा जब सीमेंट हम लगा रहे हैं तो सीमेंट का क्या होना कि सीमेंट जब लगाते हैं तो हमको थोड़ी देर उसको टिकाना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं लगाते सूख गए लगाते जम जाती, ऐसा नहीं होता। लगाने के बाद हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है, हम सीमेंट को सेट करते हैं, उसके बाद वो सूखती धीरे धीरे जमती है। तो टाइम जो मिल रहा है उसको सीमेंट को सेट करने का, वो टाइम आता है किसके, जिप्सम की वजह से। जिप्सम बोल सकते हैं कि टू डिले द सेटिंग टाइम ऑफ ग्रिड, ठीक है, डिले द सेटिंग टाइम, मतलब सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का जो सेट होती है उसको डिले करने के लिए, मतलब उसको धीरे करने के लिए ताकि हम उसको ढंग से सेट कर सकें। तो सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए जिप्सम मिला जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में मिलाता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2% तक मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, 1.5 से 2% तक यहाँ पर जो है जिप्सम इसके अंदर ऐड किया जाता है क्लिंकर्स वाले बॉल्स के अंदर। क्लिंकर्स को बॉल कहते हैं। उसके बाद इसको फिर जो है तो जिप्सम आपको पता है किससे आता है, पीओपी, प्लास्टर पेरिस नाम सुना होगा क्लास 11 के अंदर, तो बहुत पढ़े जिप्सम प्लास्टर पेरिस। तो प्लास्टर पेरिस को अगर गर्म कर देते हैं इसके अंदर मोलिकुलर वाटर कुछ निकाल देते हैं तो वो क्या जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको यहाँ बताई गई। अगला बोला गया स्टोन कैरम, देखा ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। स्टोन कैरम देखें, स्टोन कैरम देखो क्या होगा, स्टोन इज रॉक और अ पीस ऑफ रॉक शेप्ड और फिनिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, स्पेशली अगर बात करें तो किस लिए होगा स्टोन, रॉक और पीस ऑफ रॉक शेप्ड फिनिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस स्पेशली पीस ऑफ रॉक दैट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ग्रेव स्टोन, टेम स्टोन, ग्रैंड स्टोन, वेल स्टोन एंड विट स्टोन। अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन की बात करिए, देयर आर मेनी थ्री टाइप्स ऑफ स्टोन, थ्री टाइप स्टोन मेनली। पहले बात करते हैं इग्निशियस स्टोन, इज फॉर्मड व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज व्हिच आर एज़ फॉलोस। पहला था क्या प्लूटोनिक स्टोन, पहला मतलब जो मेनली तीन कैटेगरी की थी, पहला होता था इग्निशियस स्टोन, इग्निशियस से जो मिलता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है वो ठंडा होता है, कूल्स एंड इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, दो टाइप है प्लूटोनिक स्टोन एंड वोल्केनिक स्टोन। क्या बोला प्लूटोनिक स्टोन रिजल्ट व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा जो निकल रहा है तो वो ठंडा होगा एंड क्रिस्टलाइज स्लोली विद इन द अर्थ क्रस्ट, धीरे धीरे जो ठंडा होगा क्या वो एक अर्थ क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज ग्रेनाइट। वोल्केनिक के अंदर क्या होगा रिजल्ट फ्रॉम मैग्मा रीचिंग द सर्फेस एज लावा, एज लावा की फॉर्म में निकलता है, फॉर एग्जाम्पल इधर का बेसाल्ट। ये क्या अलग अलग टाइप के जो आपके स्टोन बनते हैं जो कि इग्निशियस से निकल रहे हैं, इग्निशियस रॉक्स। सेडिमेंट्री फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ इधर क्लासिड क्लासिड सेडिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल प्रेसिपिटेट्स, फॉलोड बाय कंपैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पर्टिकुलेट मैटर एंड सीमेंटेशन ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। ये सेकंड वाला बताया आपको प्रोसेस। नंबर थर्ड प्रोसेस देखें, नंबर थर्ड प्रोसेस कहता है कि आपको मेटामॉर्फिक स्टोन बोल रहा है, फाउंड बाय सब्जेक्टिंग द एनी स्टोन टाइप टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशनिंग देन दोज इन द इन विच द ओरिजिनल स्टोन वॉज फाउंड, ठीक है। अलग जो है जो भी सब स्टोन ऑलरेडी हमको मिल रहा है उसको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर करके उसको मेटामॉर्फिक स्टोन बनाया जाता है ना, अलग टेम्परेचर और प्रेशर मेनली क्या चीज़ यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लगाई जाती है, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ओरिजिनल स्टोन को कन्वर्ट किया जाता है मेटामॉर्फिक स्टोन। यूज दे रखे हैं मेनली फाइव टाइप्स यूज है। पहला आता है क्या बिल्डिंग एंड डेकोरेटिव स्टोन, दिस स्टोन्स आर यूज्ड फॉर रेजिस्टेंट ऑफ वेदर और देयर एस्थेटिक अपील, बिल्डिंग स्टोन डेकोरेटिव स्टोन बोलते हैं। एग्रीगेट आता है स्टोन यूज फॉर स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्रीगेट के अंदर आरसीसी के अंदर जो काम रहते हैं एग्रीगेट जो काम रहते हैं तो एकदम बिल्कुल एकदम हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए काम में लिया जाता है। डेकोरेटिव स्टोन अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जो काम लिया जाता है। लाइम स्टोन कैन बी यूज फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन फॉर्मिंग एंड मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये काम लिया जाता है। लाइम बर्निंग कैन यूज एज अ मोर पावरफुल एल्कली देन लाइम स्टोन और यूज एज अ सीमेंट विथ सैंड टू मेक मोर्टार और एज अ सॉइल इम्प्रूवर इन एग्रीकल्चर, ठीक है। बोला सीमेंट इफ लाइम स्टोन इज मिक्सड विथ क्ले और सैंड स्टोन, अगर लाइमस्टोन को या क्ले और सैंडस्टोन के साथ मिला दिया जाए, लाइमस्टोन मिक्स विद क्ले और सैंडस्टोन बिफोर फायरिंग इट कैन प्रोड्यूस पोर्टलैंड सीमेंट एंड मिक्स विद एग्रीगेट मेक्स कंक्रीट, एग्रीगेट के साथ मिलकर क्या वो कंक्रीट बनाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोला गया मेटल्स,
मेटलर्जी इज अ डोमेन ऑफ मटेरियल साइंस दैट स्टडीज द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स दैट इंटरमेटेलिक कंपोनेंट्स एंड द मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड अलॉयज। मेटल मतलब क्या है? मेटलर्जी डोमेन ऑफ मटेरियल साइंस दैट स्टडीज फिजिकल केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल। कोई भी मेटल एक एलिमेंट ले लिया उसकी अपन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कोई भी मेटल होता है दैट इज मेटल, मेटल मतलब वही है, कोई भी जब देखा होगा आपने कोई भी इंटरमीटियल कंपाउंड है, मिक्सचर है, इट्स कॉल्ड। अब जब मैं एक से दो ज्यादा मेटल ले लेता हूँ, एक या दो या फिर इससे ज्यादा मेटल ले लेता हूँ मैं, तो मेटल हमको क्या है ऑलरेडी मिलता है। पर लेकिन बात करते हैं अलॉय की, तो अलॉय हमको मेटल से मिलकर बनता है। अलॉय एक क्या है, इस मेटल की बनी हुई मिक्सचर है जो कि इसका फॉर्म है। टाइप्स ऑफ मेटल्स, तो दो से ज्यादा मेटल अब ऐड हो जाते हैं तो वो अलॉय की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी मेटल की तो हम खुद ही सिंपल है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी देखते हैं। अलॉय बात करें कि अलॉय अलॉय इज अ सब्सटेंस मेड बाय मेल्टिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर। तो दो ज्यादा एलिमेंट को अगर मिलकर, देखो बताया भी अलॉय क्या है, तो दो ज्यादा एलिमेंट को मिलाकर अलॉय बना जाता है। एटलीस्ट वन ऑफ देम है मेटल। बस ये है कि उसमें एटलीस्ट क्या, एक अगर दो एलिमेंट ले रहे हो तो आप एटलीस्ट एक तो मेटल होना चाहिए, ज्यादा भी ले रहे हो तो एटलीस्ट एक मेटल होना चाहिए, उसको अलॉय कहते हैं। अलॉय किस तरह से अपन कूलिंग इन टू अ सॉलिड सोल्यूशन, कोई किस तरह से किया जाता है कूलिंग अपन सॉलिड सोल्यूशन मिक्सचर और इंटरमेटेलिक कंपाउंड। The components or of alloy cannot be separated using a physical means. Alloy is homogeneous and retain the properties of metal even though it may include metalloids or non-metals in its composition. Okay. तो कुछ कुछ चीजें हमको याद रखनी है। एग्जाम्पल देर के अलॉयज के इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, व्हाइट गोल्ड बोला है, 14,000 गोल्ड एंड स्टर्लिंग सिल्वर। ऑल द एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, मोस्ट अलॉयज आर नेम्ड फॉर देयर प्राइमरी और बेस मेटल with an indication of other elements in order to mass percent. Next आपको बोला गया फायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट का बताया गया। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल कौन कौन से होते हैं बोला गया, रॉक वूल, जिप्सम बोर्ड, एस्बेस्टो सीमेंट, पर्लिट बोर्ड, प्रोप्लेक्स शीट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट। हीट रेजिस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल बोला गया, पर्लिट, सीमेंट, कंक्रीट, ग्लास, साइबर, कॉर्क, बोर्ड। याद रखें हीट इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन सा, थर्माकोल, वुड, ग्लास, ब्रिक, टाइल्स। एंड साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैविटी वॉल, फैब्रिक फॉर्म, परलाइट, सीमेंट, ये सब के एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो ये सब साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे, वो सब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज बात पूरी क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं पेंट्स, नेक्स्ट बोला गया पेंट्स, देखते हैं पेंट्स क्या बोला गया। पेंट्स सिंपल आपको बोला गया है, पेंट्स आर फ्लूड मटेरियल दैट आर अप्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ टिम्बर। वही है, टिम्बर के सर्फेस के ऊपर लगाया जाता है पेंट्स। आपने देखा होगा अलग तरह के पेंट्स लगाए जाते हैं अलग अलग सर्फेस के ऊपर। टिम्बर मेटल हो सकता है, मेजोनरी दीवार के ऊपर हो सकता है पेंट, प्रोटेक्ट देयर सर्फेस फ्रॉम द डैमेजिंग इम्पैक्टिंग वाइल सर्विंग द पर्पज ऑफ डेकोरेशन। वही टाइप्स ऑफ एस्थेटिक व्यू के लिए, डेकोरेशन के लिए पेंट यूज किए जाते हैं। पेंट को मेनली जो है, मेनली मेन की जो पेंट के जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, बोले बोले तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता था पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है, गिव्स द पेंट इट्स कलर एंड ओपेसिटी, पेंट को उसका कलर ओपेसिटी देता है, पिगमेंट देता है। नेक्स्ट इज बाइंडर, होल्ड्स द पिगमेंट एंड अदर एक्टिविटीज टुगेदर। ये जितने भी पिगमेंट वगैरह हैं, पिगमेंट जो अपन यूज करे थे, इसको एक साथ होल्ड करके रखता है, बाइंडर कहते हैं इसको, नाम भी पता चल रहा है बाइंडर। सॉल्वेंट क्या होता है, इट गिव्स द पेंट इट्स एबिलिटी टू बी स्प्रेड ओवर सर्फेस। सॉल्वेंट क्या करता है, उसकी जो इज पेंट की इट्स एबिलिटी टू बी स्प्रेड ओवर द सर्फेस, सर्फेस के ऊपर स्प्रेड करने का काम करता है क्या सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये है मेन लिस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आता है क्या, टाइप्स ऑफ पेंट्स, पेंट्स के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, देखते हैं कुछ टाइप्स होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पेंट्स होते हैं, पहले बात करें प्राइमरी, प्राइमर, प्रिपरेटरी कोटिंग, पुट एन मटेरियल बिफोर पेंटिंग, बिफोर पेंटिंग के ऊपर आप बोलते हैं पहले प्राइमर लगाते हैं, तो ये होता है सबसे पहले इसको पेंट करने से पहले प्राइमर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो कोटिंग के रूप में। एक्रेलिक पेंट इट इज फास्ट ड्राइंग पेंट होते हैं, कंटेनिंग पिगमेंट सस्पेंडेड इन एक्रेलिक पॉलीमर इमल्शन। फास्ट टाइम पेंट कंटेनिंग पिगमेंट इज सस्पेंडेड इन एन एक्रेलिक पॉलीमर इमल्शन। ऑयल पेंट बोला गया टाइप ऑफ स्लो ड्राइंग पेंट दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पिगमेंट सस्पेंडेड इन अ ड्राइंग ऑयल। ठीक है, तो ये फास्ट टाइम पेंट होगा एक्रेलिक पेंट, ऑयल इज स्लो ड्राइंग पेंट, याद रखिए। डिस्टेंपर बात करिए, डिस्टेंपर आपने सुना होगा बहुत यूज करते हैं, मतलब मेजर कंस्ट्रक्टिव डिस्टेंपर आर चॉक, लाइम, वाटर, सम कलरिंग एजेंट्स। इट इज वाटर बेस्ड पेंट, एक वाटर बेस्ड पेंट है। बोला गया इमल्शन, इमल्शन क्या होता है, आपने पढ़ा भी था क्लास 12th के अंदर आया आता भी था इमल्शन, मतलब है आप देखो चैप्टर नंबर 5 जब एक पढ़ता था सरफेस केमिस्ट्री, पढ़ता था इमल्शन। ऑल्सो वाटर बेस्ड,
इट्स अ रिच एंड मैट फिनिश टू इंटीरियर वॉल्स, फिनिश प्रोवाइड करेगा इंटीरियर वॉल्स के लिए। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट बातें हैं लश्चर, इनेमल, लश्चर पेंट्स, इनेमल पेंट्स, ऑयल पेंट्स, ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स। सब सॉल्वेंट बेस्ड पेंट कहलाते हैं। द लास्ट लॉन्गर प्रोड्यूस द रिच एंड डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द वॉल। इसको कुछ फिनिशेज आता है पेंट के बाद, कुछ फिनिशेज भी देने पड़ते हैं। तो पेंट्स व्हेन ड्राइज, जब पेंट सूख जाता है, ड्राइज ऑन द सरफेस प्रोड्यूस फिल्म्स विद अ वेराइंग डिग्री ऑफ शाइन। दिस रेंजेस फ्रॉम मैट फिनिश व्हिच हैव नो शाइन, हाई ग्लॉस फिनिशेस। टाइप्स ऑफ फिनिशेस बोल रखे हैं। मैट फिनिश होता है, मैट क्या, मैट फिनिश हैज अ लोएस्ट लेवल ऑफ ग्लॉस, मतलब कुछ ज्यादा इतना फिनिश नहीं है, बहुत कम फिनिश, दैट इज मैट फिनिश। एग शेल और सेटिन, मतलब दिस टाइप ऑफ फिनिश हैज सिल्क लाइक ग्लॉस, एक्सप्लेनिंग द मैट नेम सेटिन फिनिश। तो मैट से कंपेयर कुछ ज्यादा इसमें थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का रहेगा। सेमी ग्लॉस बात करते हो, दिस फिनिश हैज मोर ग्लॉस देन सेटिन फिनिश, पूरा ज्यादा होगा, वो एक दूसरे से ज्यादा कन्वर्ट करने बात की, एक दूसरे से ज्यादा, ये से ज्यादा फिनिश होगा, सबसे ज्यादा ग्लोसी होगा। फिनिश विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोस, मतलब क्या, स्मूथ, मतलब स्मूथनेस बात करें, दैट इज ग्लोस। जिसमें जितनी ज्यादा स्मूथनेस है उसके हिसाब से चार चीज को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, टोटल चार चीज को दोनों डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। वो बताया गया टाइप्स ऑफ पेंट्स हो गया, टाइप्स ऑफ फिनिशेस, पेंट्स दोनों हो गया, ठीक है। बाद देखो कुछ और चीज आती है, कुछ और चीज देखते चलते हैं। कस्टडी ऑफ गुड वर्क, गुड बॉय बात करिए, आपको बात करिए अर्थ के बारे में। हाँ जी बता रही, जब इन पढ़ चुके ऑलरेडी, वही चीज आपसे बता रहे आपको। सिलिकॉन कंपोजिशन होता है, सिलिकॉन लाइम और एनऑक्साइड मैग्नीशिया कंपोनेंट है, ठीक है। लाइम और एनऑक्साइड मैग्नीशियम और चार पांच सारे के कैसे कंस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। ठीक, वही बात करें आप इससे, अगर सेम क्वेश्चन मटेरियल, कुछ कुछ जो चीजें बोल रही अपन देख चुकी थी, जो नहीं देखी बताया था हम आपको, जैसे अपने बात कर भी चुके थे, सिलिका जो 50% तक होना चाहिए, है ना, 50 to 60% बोला था अपन ने, 50 to 60% तक सिलिका हो तो बेस्ट है। इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज, क्रैकिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स। अगर सिलिका इतना ही होना चाहिए 50 60%, अगर सिलिका अगर ज्यादा हो गया प्रेजेंट एक्सेस तो क्या होगा, डिस्टर्ब द कोहेशन बिटवीन पार्टिकल्स एंड द ब्रिक बिकम्स ब्रिटल। तो क्या होगा, बॉन्ड जो होगा ना, बॉन्ड पार्टिकल्स जो, वो थोड़ा खराब होगा और ब्रिटल हो जाएगी ब्रिक्स। ब्रिटल मतलब थोड़ी सी गिरती टूट जाएगी, आपने देखा होगा बहुत सारी ब्रिक हो जो थोड़ी सी गिरती टूट जाती है, ब्रिक्स का बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाती है, ब्रिटल थोड़ी सी गिरेगी तो नीचे से बिल्कुल, या किसी और के साथ टच हो गई, या उतारते समय रखते समय अड़ गई तो टूट जाती है। कुछ जो बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, हो सकता है किसी किसी पोर्शन के अंदर जो है वो सिलिका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, यहाँ पे एलुमिना की बात की, 20 to 30% एलुमिना होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इसकी प्लास्टिसिटी के लिए, एक्सिस में होता ही, रॉ ब्रिक शिंक एंड रैप ड्राइंग ड्राइंग। लाइम बोला गया, लाइम क्या बोला, सिंपल, दिस परसेंटेज ऑफ लाइम शुड बी रेंज ऑफ 5 to 10%। लाइम की जो रेंज होता है 10 से 5 10% तक लाइम होना जरूरी है, ठीक है। प्रिवेंट सिंक के जो ब्रिक, सिंक के जो ब्रिक प्रिवेंट करेगा, कॉज द सिलिका टू क्ले मेल्टिंग बर्निंग एंड दिस हेल्प टू बाइंड इट। एक्सिस ऑफ लाइम, लाइम एक्सिस होती है, कॉज द ब्रिक टू मेल्ट एंड ब्रिक लूजेस इट्स शेप। तनेश आर्ट्स समझ आया कि एनटीए वेबसाइट अपलोड अपडेटेड हो गई है, दैट इज अबाउट रिजल्ट। जब वेबसाइट अपलोड होती है, अपडेट होती है, तो ये इंडिकेट होता है कि रिजल्ट जो है वो आने वाला है। डिफरेंट बात, अगर अपडेट हो गई है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लाइम एरेनोसल हो गया, ये सब अपन डिस्कस कर चुके थे पहले भी, सब कुछ बताया था, जो जो नहीं डिस्कस किया होगा आपको बताया था, इसमें कौन कौन चीजें नहीं डिस्कस हुई है। अच्छा एक चीज जानना कि यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि हमेशा कभी अभी देखा होगा ब्रिक के अंदर पेबल्स आए थे, पेबल्स मतलब छोटे जो पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर से पत्थर आपने देखे होंगे, छोटे पत्थर क्या होते हैं ब्रिक के अंदर आए थे, ब्रिक के बीच में आए थे, जो पेबल्स के ब्रिक के अंदर कभी आने चाहिए, तो ये सब चेक करना पड़ता है पहले, छोटे पत्थर तो नहीं है, क्ले को अच्छे देखना पड़ता है,
अफ्रीका के पत्ते पत्ते से आते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑपरेशन ऑफ अर्थ, इट प्रिवेंट्स द यूनिफॉर्म एंड थ्रू आउट मिक्सिंग ऑफ क्ले, तो चलिए यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पाती विच रिजल्ट्स इन अ वीक एंड पोरस ब्रिक, वीक क्या वीक रह जाती है, बीच में पत्थर आते हैं तो फिर जल्दी वहां से टूट जाती है बिकॉज वहां बॉन्ड ही नहीं बनता पत्थर की वजह से। फिर कंटेनिंग पेबल्स विल नॉट ब्रेक इनटू शेप्स एज पर रिक्वायरमेंट, हमको जैसे ब्रिक को जैसे ये कोई ब्रिक थी हमको बिल्कुल यहाँ से तोड़नी है इसको, यहाँ से यहाँ को जैसे पत्थर आ गया तोड़ने लगोगे तो पत्थर के यहाँ से ब्रिक यहाँ से ऐसा कुछ टूट जाएगी, ब्रिक हो सकता है ये से लंबी लंबी से लंबी लंबी भी टूट जाए, कैसे भी ब्रिक टूट जाती है ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट के साथ ब्रिक टूटती नहीं है अगर पेबल्स आ जाते हैं तो। तो बता भी गया आपको सिंपल, देखो ये बताया गया ब्रिक्स ऐसे ब्रिक के अंदर बीच में पत्थर आ गया ये पत्थर पड़ा है, ब्रिक के जो पत्थर आ गया तो इसे टूट नहीं दिए गए तो कैसे अलग छह में रूटीन टूटी आधी कैसे टूट आधी कैसे टूट गई, ऐसा ये चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है ब्रिक के अंदर, ये कभी होना चाहिए ये ब्रिक के अंदर क्या इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक स्टोन इन ब्रिक, जैसे ये क्या है कैसे ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बात करेंगे वो चार प्रोसेस होते हैं अभी देखे थे अपने, मोल्डिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले बनाया जाता है उसको मोल्ड किया जाता है ना, वो जो आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है ब्रिक के अंदर पहले मोल्ड किया जाता है तो क्ले को रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, उसको अपन बोलते हैं हिंदी में खांचा साचा, साचे में इसको रखा जाता है फिर उसका जाता है फिर उसको बर्न सेका जाता है उसको फिर बर्न किया जाता है ठीक है, तब तक वो रेडिश ब्राउन ना हो जाए, रेडिश ब्राउन तक बर्न किया जाता है उसको। कविता सैनी नमस्कार भैया, नमस्कार सबको नमस्कार, बढ़िया गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले बताएगी आपको, क्ले फॉर ब्रिक इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग ऑर्डर, इसी ऑर्डर में प्रिपेयर किया जाता है, सॉरी डिगिंग क्लीनिंग वेदरिंग ब्लेंडिंग टेम्परिंग, वैसे मेनली जो बात करें वो प्रोसेस तो वो कौन सा है, वो चार तरीके मेनली प्रोसेस है, पहला क्या प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकंड इज मॉल्डिंग, थर्ड इज ड्राइंग एंड फोर्थ इज बर्निंग, चार तरीके मेनली प्रोसेस याद रखें जिससे ब्रिक को प्रिपेयर किया जाता है ठीक है। बाकी सीमेंट के बारे में कुछ बताया गया, सीमेंट के बारे में अगर देखें तो वही है किस किस यूजेस क्या होते हैं सीमेंट के, ये थोड़ा आता है एग्जाम में, मेसनरी वर्क के लिए यूज किया जाता है प्लास्टर पॉइंटिंग एक्सेट्रा, कंक्रीट फॉर लाइंग फ्लोर्स देखा होगा आपने सीमेंट के लिए अपन बात करते हैं आरसीसी, आरसी जब हम स्लैब डालते हैं घरों के अंदर, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट तो इसे पता चल रहा है नाम ही आ रहा है सीमेंट तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पर उस समय फ्लोर के अंदर डालते पीसीसी, आप बताओ पीसीसी अपन फ्लोर में करते हैं फ्लोरिंग, जब हम फ्लोरिंग घर बनाते हैं तो उसमें जब फाउंडेशन डालते हैं फाउंडेशन के ऊपर पीसीसी करते हैं, पीसीसी इज प्लेन कंक्रीट सीमेंट, आरसी होता है रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट जो कि छत पर होती है स्लैब के अंदर होती है, ये होता है पीसीसी प्लेन कंक्रीट सीमेंट, तो प्लेन कंक्रीट सीमेंट पीसीसी बिछाई जाती है पूरे में ताकि वो हो गया मॉइस्चर कंटेन, मतलब वो नीचे जमीन में से पानी ऊपर आना है उसके लिए आप डीपीसी भी अच्छा जाती है, इसको अपन डीपीसी भी कहते हैं डीपीसी, डैम प्रूफ कंक्रीट जैसे होता है ठीक है। बाकी बात करें तो बाकी अपन सीमेंट तो लिंटल बीम वेदर सब जगह जहाँ भी अपन कोई चीज लगानी हो किसको कुछ करना हो या फिर फिनिशिंग देनी हो ठीक है, सीमेंट तो सब जगह काम आती है मेनली चीजें, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिज के फॉर्म हो गया डैम हो गया टनल हो गई लाइट हाउस क्लॉक्स कुछ भी बनाना हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर वेल हो गया टेनिस कोर्ट टैंक्स लैम्प पोस्ट टेलीफोन कैबिन्स सब चीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबके लिए होगा ये चीज ठीक है, सब जगह काम आती है बिना सीमेंट को तो कहीं नहीं होता ही नहीं, मतलब सीमेंट तो मतलब बेसिक चीज सबसे प्राइमरी चीज है, प्राइमरी चीज दो तीन है पहले तो सीमेंट एक ब्रिक्स, सीमेंट ब्रिक्स ये तो सबके प्राइमरी मटेरियल है क्योंकि ना तो काम होएगा नहीं, मैकिंग जॉइंट्स पाइप या किसी चीज की जॉइंट्स करना हो तो भी यहाँ पर क्या है सीमेंट का बहुत बड़ा यूज है, प्रीकास्ट पाइप गार्डन सॉल्ट एस्टेरिकल डिजाइन वेंट्स फ्लोर पोस्ट एक्सेट्रा, फाउंडेशन फाउंडेशन वाटर टाइट फ्लोर्स फुटपाथ एक्सेट्रा ये सब चीज़ क्या है इसी के लिए काम आती है ठीक है, सीमेंट के लिए सीमेंट यहाँ का बहुत ज़्यादा यूज़ है सीमेंट का। तो अगर आगे देखें तो टाइप्स ऑफ सीमेंट बात की वो टाइप्स ऑफ सीमेंट अगर देखें बहुत सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट होती है मार्केट में, टाइप्स मिलेगी आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये बेसिक सीमेंट जो हम घरों के अंदर काम लेते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ठीक है, इट्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट होगी जो आपको मिल देखने को मिलती है ठीक है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल अदर सजेस्ट क्ले
ये बताएगा आप किस से मिलकर बनेगी और कितने टेम्परेचर के बस हीट किया जाता है। 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। आपने कभी सुना होगा व्हाट इज कैल्सिनेशन? तो जो इस सीमेंट बनाने के प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को क्ले के साथ मिलाकर इतने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म किया जाता है। प्रोसेस कहा जाता है कैल्सिनेशन सीमेंट के प्रोसेस के अंदर। फिर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट बोला है मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप गर्म करते हो तो CaO निकलता है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकलती है। आपने पढ़ी होगा इक्वेशन, तो क्लास इलेवन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट हुई तो कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या कर देगी, कैल्शियम ऑक्साइड तो अलग से बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकल गई, और क्यूक्लाइम, तो CaQ-क्लाइम भी कहा जाता है, विच इज देन ब्लेंडेड विद द अदर मटेरियल। दूसरे मटेरियल के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग ब्लेंड किया जाता है, दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द मिक्स। ओके, रिजल्टिंग हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लिंकर, क्लिंकर बना दिया गया। मेनली ये भी पढ़ा भी था अपन ने कि सीमेंट जो बनती है तो सीमेंट के अंदर जो पाउडर फॉर्म बनता है पहले, जितने भी कंस्टिट्यूशंस है, कंस्टिट्यूट जितने भी मटेरियल्स है, जितनी भी चीज़ मिला रहे हैं उसमें, पहले उसको पाउडर फॉर्म बनाया जाता है। पाउडर फॉर्म के बाद उसको क्या करा जाता है, हीट किया जाता है, उसको क्या क्लिंकर बनाया जाता है। क्लिंकर, क्लिंकर की फॉर्म बना, क्लिंकर छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, उसको फिर से क्या करा जाता है, उसको जितना जिप्सम मिलाकर, और उसको क्या करना है एज अ जिप्सम टू डिले द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए जिप्सम मिलाकर उसको क्या है वापस पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है क्लिंकर से। यहाँ क्लिंकर बना दिए थे, क्लिंकर छोटे छोटे वॉल्स बना दी थी, तो क्लिंकर छोटे छोटे वॉल्स बनाने के बाद फिर से उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, फिर से उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है ना, याद की बात क्लियर है। फिर से जो पाउडर फॉर्म के अंदर फिर से बनाया जाता है उसको, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसर ऑफ पोटैश इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, पोटैश इज अ कंपोस्ट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ एग्रीगेट ग्रेवल एंड सैंड सीमेंट एंड वाटर। एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंक्रीट कैन बी शेयर अप्रोक्सीमेटली शेप डिजायर्ड एंड वंस हार्डन बिकम अ स्ट्रक्चर लोडिंग लोड बेयरिंग एलिमेंट। पोटलैंड सीमेंट में भी ग्रे और व्हाइट, मेनली जनरल यूज में घरों में काम आती है, वही पूछा गया। और इसके हम बताएंगे इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट कंस्ट्रक्शन वेयर इज नो एक्सपोजर ऑफ सल्फर इन द वाटर, लाइम सिचुएशन में फ्रीज लाइम को परसेंटेज बता रहेगा कितना कितना परसेंटेज है एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का, और SO3 की बताया गया आपको, सल्फाइड कितने ऑक्साइड से, सल्फाइड के ऑक्साइड से कितने कितने परसेंटेज है ना, एमजी परसेंटेज फाइंड आउट नॉट एज इतना। रैपिडली हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट टाइप्स ऑफ अगली सीमेंट जो है कुछ इज रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज फेमर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें कितने कंपोजिशन होता है, 3 दिन तक स्ट्रेंथ सेम है, 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोटेंशियल सीमेंट, इसकी 7 दिन तक स्ट्रेंथ वही रहती है, ये बोला गया सिंपल बोल, ठीक है। फिर बोला गया लो हीट पोटलैंड सीमेंट बताई गई है, इसकी आप देखोगे टाइप्स इसमें है, सल्फर रेजिस्टिंग पोटलैंड सीमेंट आप देखोगे, लो हीट पोटलैंड सीमेंट सल्फर रेजिस्टिंग पोटलैंड सीमेंट आएगी, ठीक है। तो बताएगा कुछ चीजें सल्फर रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, कुछ चीज बताएगी हमको। और बताएं इसकी प्रॉब्लम तो बताएं, बहुत सारी लगातार पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, समझ में आएगा नहीं। अप्रोक्सीमेट चीजों के बारे में यहाँ पर कवर कर चुके हैं चीजों को इसके अंदर, तो वही बात कर रहे हैं रिजल्ट की जो है, क्वेश्चन पूछे गए रिजल्ट कब आएगा, तो बोल रहे कि NTA की वेबसाइट जो अपडेट हो चुकी है, NTA की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, लेट्स देखते हैं रिजल्ट कब क्या आने वाला है भाई। मोस्टली चांस है कि अपडेट होने के बाद तो बहुत जल्दी आ जाएगा, जैसे को अपडेट आते मैं आपको बताता हूँ, अगर अपडेट होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। काम को तो एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा, चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट कब आ रहा है, कितना अपडेट हुई वेबसाइट।
ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट्स के बारे में हो गया। तो ये भी था ना थोड़ा सा, अपन जो कंपोनेंट्स पढ़े थे अपन ने कल, याद रखे अच्छे से कंपोनेंट्स। बात कर चुके थे अपने बेसमेंट के बारे में, तो स्टैंडर्ड चीज़ें जो बेसमेंट वगैरह टॉयलेट्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए फॉलो करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। देखा थे वापस जो इनको बताया था मैं, क्या क्या चीज़ देखी थी अपन ने यहाँ पर, वो सेटबैक एक्सटीरियर ओपन स्पेस और इनऑल बताया था आपको। टॉयलेट्स के बारे में बात कर चुके थे, टॉयलेट्स होते हैं पीच के लिए टॉयलेट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक बिल्डिंग जैसे सिनेमा थिएटर, पब्लिक नर्सिंग होम, पब्लिक फैसिलिटीज, यहाँ पर क्या है टॉयलेट्स होना जरूरी है पीएच के, मतलब फिजिकल हैंडीकैप। तो वहाँ पे जहाँ फिजिकल इंडिया होते टॉयलेट, वहाँ पर रैम्प भी देना पड़ेगा कंपल्सरी होता है, बिकॉज वो आएंगे तो फिर उनके लिए रैम्प भी चाहिए, स्टेप तो होगा नहीं, स्टेयर से चढ़ नहीं पाएंगे, तो रैम्प भी चाहिए होगा, रैम्प भी होना चाहिए, उसकी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 1.8 मीटर वाइड, स्लोप शुड भी 5%, रिजर्व इन बेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर मेन डोर शुड भी 30 मीटर। तो लिफ्ट के बारे में आते हैं, लिफ्ट के बारे में क्या बोला गया, लिफ्ट के बारे में आपको, लिफ्ट का इंटरनल डेप्थ कितनी 1.1 मीटर, इंटरनल डेप्थ इंटरनल विड्थ 2 मीटर, एंटर विड्थ 0.9 मीटर, लिफ्ट के बारे में स्टैंडर्ड चीज बताएगी। सोलर पैनल के बारे में चीज बताई गई थी, जब कल बात कर चुके थे पार्किंग कोड के बारे में, पार्क में ही था देखो, अगर आप पार्किंग सारा का टाइप्स ऑफ पार्किंग, ये फुटपाथ का बता रहा है, फुटपाथ का अगर आप चल रहे हो 3 से 3 3 मीटर 6 मीटर, एक तरफ आने जाने के लिए कार है 3 मीटर, उसके लिए 6 मीटर चलने के लिए, बाकी 2.5 मीटर दोनों तरफ हुई तो 6 मीटर बीच में ड्राइविंग ड्राइवर दोनों तरफ, और अगर ऐसा स्पेस हुआ तो 2.5 2.5 मीटर 2.5 मीटर दोनों तरफ 5 5 और बीच में 9, तो 18 मीटर। ये सेक्शन बना रखा, दिस ऑन सेक्शन, ये सब चार सेक्शन है, ये सब चार क्या है, ये सब चार जो वो सेक्शन है रोड के और इंडल जो अपन चलते हैं पाथवे बोल सकते हैं, सेक्शन इसके पाथवे के, पाथवे एंड रोड्स, पाथवे रोड्स के सेक्शन है सब, ठीक है। तो ये होता है इक्विवेलेंट गार स्पेस, ECS क्या होता है, इक्विवेलेंट गार स्पेस क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट गार स्पेस, ECS बोलेगा इक्विवेलेंट गार स्पेस, पार्किंग स्पेस जस्ट टू बिल्ड इन, ECS इज अ इक्विवेलेंट गार स्पेस, पार्किंग स्पेस व्हिच हैज टू बी प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग बेस्ड ऑन इट्स बिल्ट अप स्पेस फ्लोर एरिया फॉर पार्किंग व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स स्कूटर लाइट व्हीकल्स एक्सेट्रा, दिस इज नॉन एज टर्निंग रेडियस ऑफ कार, ये कार की टर्निंग रेडियस है, टर्निंग रेडियस ऑफ कार, टर्निंग रेडियस ऑफ कार, तो क्या होती है आउटर रेडियस, बोला भी था मैंने कि टोटल 6, कल बोला भी था 6 मीटर आउटर रेडियस होती है 6 मीटर, क्योंकि कार घूमती है, चार कार घूम रही तो उसकी 2 रेडियस होगी, तो आर की होगी पास लेके अंदर टोटल 6 होती है, और अंदर से लेकर अंदर तक होती कितनी 3.5 मीटर, उनकी जो विड्थ होती है दैट इज 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली विड्थ देकर चल लेते हैं कि कार जब घूमेगी इतना इतना उसको घूमने के लिए स्पेस चाहिए 2.5 मीटर, विड्थ वाइज बात करो, विड्थ वाइज ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ पार्किंग सिस्टम तो पता ही हमको, सिंपलीफाइड पार्किंग सिस्टम दे रखा है, पहला पहला नंबर सिंपलीफाइड पार्किंग सिस्टम, बिल्कुल सिंपल जो हम गाड़ी पार्क करते हैं कार से सब पार्किंग करते हैं, बिल्कुल सिंपल जो पार्किंग सिस्टम्स होते हैं ये सब सिंपलीफाइड पार्किंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। एक होता है कौन सा लार्ज मल्टीलेवल पार्किंग सिस्टम होता है, लार्ज मल्टीलेवल पार्किंग सिस्टम में क्या होगा, सिंपल आपको जितना टाइप्स ऑफ फ्लोर्स बना रखे अलग अलग फ्लोर्स है, तो फ्लोर्स आपको दिए जाते हैं, फ्लोर्स के ऊपर क्या है पार्किंग करनी पड़ती है ना, तो रैम्प होते हैं, रैम्प के ऊपर आएगा घूम के, एंड फ्लोर के ऊपर जाकर गाड़ी पार्क होती है। ये स्पेस, स्पेस जो है सब मेनली जो मेन प्रॉब्लम है स्पेस की, स्पेस जो इससे अच्छा खासा जो है सेव होता है, अच्छा खासा स्पेस बच जाता है इससे ना,
यही सब चीज यूज किया थी मल्टी लेन एंड ऑल. ठीक है, डिवाइड पार्किंग सिस्टम एंड लार्ज मल्टीपल पार्किंग सिस्टम. टाइप्स ऑफ पार्किंग लेआउट भी हमने देख चुके थे. ये कार का, जब कार आ रही है एक तरफ से तो कितने कितने, मान लो इस एंगल पे चली गई तो कितना, इस एंगल पे चली गई तो ये यहाँ से यहाँ तक मुड़ी, यहाँ से यहाँ तक मुड़ी, उसके बाद इतना एंगल चली गई, या फिर पूरा पूरा यू टर्न मान लिया. तो टाइप्स ऑफ टर्न दे रही है आपको, किसी एंगल पर टर्न ले सकती है. सीधा सीधा तो सीधा रहेगा, अलग अलग टाइप जो 1 2 3 4 5 6 टाइप के टर्न आपको दे रखे हैं. हर एक टर्न के लिए कितनी कितनी रेडियस है, देखो सेंटर से बता रही है रेडियस कितनी कितनी चाहिए हर एक के लिए रेडियस. ठीक है, लाइन ये बता रही है रेडियस. टाइप से पार्किंग सिस्टम ये बोल चुका था मैं आपको, ये तो है, दिस इज नोन एज 30 डिग्री पार्किंग सिस्टम. ये 30 डिग्री पे एंगल, 30 डिग्री पे है 30 डिग्री पार्किंग सिस्टम. ये है कितना, 60 डिग्री पार्किंग सिस्टम. एंगल पे अलग अलग एंगल पे पार्किंग सिस्टम हो गया, 30 डिग्री पार्किंग सिस्टम है, 60 डिग्री पार्किंग सिस्टम है. ये 45 डिग्री पार्किंग सिस्टम, देखा जाए तो 45 डिग्री पे सबकी सब कार्य जो है 45 डिग्री के ऊपर रहती है, सब कार 45 डिग्री के ऊपर सब कार्य. अच्छा तो 90 डिग्री, 90 डिग्री पार्किंग सिस्टम, सब कार आमने सामने आमने सामने आमने सामने सब आमने सामने, तो 90 डिग्री पार्किंग सिस्टम. ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, अपन कल बात कर चुके थे ये वाला, ये चीज हो रही है. ताकि बिल्डिंग की हाइट जब छोटी होगी तो उसका, अगर वो चौड़ाई भी ज्यादा होगी, हाइट कम होगी, लेंथ पर ज्यादा होगी, तो आपके सरफेस ज्यादा मिलेगी, तो सन का एक्सपोजर जो होगा वो जहाँ ज्यादा आएगा तो रेज ज्यादा आएगी. तो लेकिन विंड की बात करें तो विंड तो ओरिजेंटल चलेगी, तो विंड क्या उसमें कम आ पाएगी, बिकॉज उसकी हाइट बहुत कम है. हाइट ज्यादा होगी तो विंड तो ज्यादा आने का टाइम मिल गया, विंड को ज्यादा आने का मौका मिल गया, कि इतनी हाइट से होगी इतनी ज्यादा विंड उसके अंदर आएगी. और हाइट ज्यादा होगी और अगर आपने लेंथ विड्थ कम कर दिया तो सरफेस उसका कम हो गया, ऊपर का सरफेस कम हो गया, तो सन की भी क्या रेस जो ऊपर वाली कम हो जाएगी, तो ये हीट भी कम इतनी नहीं करेगी, हीट भी कम रहेगी इसमें, लाइट वेंटिलेशन ज्यादा रहेगा, तो ये बेस्ट होता है. इसमें हीट ज्यादा रहेगी और लाइट वेंटिलेशन कम होगा, हीट ज्यादा रहेगी. ये थोड़ा सा क्या है, प्रीफर नहीं किया जाता इसको, तो इसको प्रीफर किया जाता है कि सरफेस ज्यादा ना हो ताकि धूप जो है ज्यादा ना आए. ठीक है, ये जो घरों के अंदर लगाते हैं कंपर्स जो होते हैं, घरों के अंदर कंपर्स लगाते हैं, डक्टिंग सिस्टम जो ये कुछ चीज आपको याद रखनी है भाई. कल इसको भी अपन देख कर चुके थे कि कोई बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स होते हैं, ये टाइप से बिल्डिंग ब्लॉक्स, अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पड़े हैं, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक पड़े हैं यहाँ पर. तो बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर जो भी बस विंड एंड होगी, सन पाथ, विंड डायरेक्शन, कैसे सन पाथ विंड डायरेक्शन में कैसे चीज़ों को निकलेगा एंड ऑल, पाथ के फॉलो करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अपने ब्लॉक कैसे रखे जाएँ. देखो बोला भी गया उसने कि कैसे ब्लॉक रखे जाएँ, जैसे ब्लॉक की ब्लेसिंग की, जैसे विंड यहाँ से आ रही है तो विंड को मौका मिले इस ब्लॉक के एक के अंदर, एक तरफ से अंदर होने का और फिर घूम के दूसरी तरफ से बाहर भी निकलने का, क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी. दैट्स नोन एज क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है. ये देखो बताया भी गया, देखो जैसे विंड आ रही है इसे ब्लॉक में से बीच में से निकल रही है, तो विंड के पाथ के अंदर से थोड़ा सा एक होना चाहिए कि सारे हर एक ब्लॉक को टच करते हुए निकले विंड, तो इसको कहते हैं क्या, ये चीज रहता है, हर एक ब्लॉक को टच करके निकलना बहुत जरूरी है. ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग ओरिएंटेशन क्या होगा. बाकी तो अपन ये भी देख चुके थे डे लाइट के अंदर, डे लाइट लाइटिंग आती है तो होता है, सन से जो लाइट आती है उसको बोलते हैं डे लाइट लाइटिंग. लाइट आती है या फिर ऊपर टच होगी, जहाँ से ओपनिंग होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, ये होगा क्या, ये ई आर सी होता है. ई आर सी होता है एक्सटर्नल रिफ्लेक्टिंग कॉम्पोनेंट होगा, बाहर से आ रहा है. एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्टिंग कॉम्पोनेंट होता है, अंदर जो आर्टिफिशियल लाइट होती है. एक होता है स्काई कम्पोनेंट, स्काई कम्पोनेंट्स होते हैं स्काई कम्पोनेंट्स, ई आर सी एक्सटर्नल कम्पोनेंट, इंटरनल रिफ्लेक्टिंग कम्पोनेंट ई आर सी. इन दोनों तीन दोनों से मिलाकर बनता है क्या, डी एफ. डी लाइट मतलब होता है डे लाइट फैक्टर, याद रखें व्हाट इज डेलाइट फैक्टर. ये तीन कंपोनेंट से मिलाकर बनता है डेलाइट फैक्टर, मतलब किसी भी लाइट को जो हमारे पास बात कर रही है. टाइप्स ऑफ लाइटिंग बोर्ड की यहाँ पे आर्टिफिशियल, मेनली दो टाइप की लाइटिंग होती है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. एक तो होती है क्या, नेचुरल लाइटिंग होती है, नेचुरल लाइटिंग होती है, और एक होता है कौन सी, आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है. नेचुरल के अंदर सिंपल पता चला नाम से, जो सन से, सन के थ्रू आ रही है बाहर से. जब दिन में बात करते हैं आफ्टरनून दिन में, तो क्या होता है आफ्टरनून के अंदर आप नेचुरल लाइट तो आपके आती है, पर आप एज अ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइट आप आर्टिफिशियल को भी यूज करते हो,
हम गेट बंद करते थे तो सब कुछ तो अंधेरा हो जाता थोड़ा बहुत, तो हम सप्लीमेंट के लिए आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल मतलब हमारे जो घरों के अंदर लगी हुई थी लाइटें, ऐसा यूज करना पड़ता है एडिशन में। लेकिन अब बात करते हैं नाइट की, रात को या फिर शाम को जब सन नहीं है तब तो फिर सिंपल हम आर्टिफिशियल लाइटिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज यही लाइट जो हमको काम आती है, तो आर्टिफिशियल लाइटिंग उसमें काम आती है, तो नेचुरल लाइट नहीं होती। तो नेचुरल लाइट तो ओनली सन के थ्रू ही आ सकती है, बाकी नहीं आ सकती। ठीक है, बाकी रात को तो फिर बहुत ज़्यादा स्टार वगैरह से तो बहुत डिम लाइट टाइप है, वो चीज़ नहीं है। तो आर्टिफिशियल लाइटिंग है, ये सब लाइटिंग है। ठीक है, नेचुरल लाइटिंग आर्टिफिशियल लाइटिंग थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं ये बताया, फिर नेचुरल वेंटिलेशन की बात करिए, तो वेंटिलेशन तीन टाइप के होते हैं। वेंटिलेशन बात करिए, तीन टाइप की वेंटिलेशन है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओपनिंग इन स्पेस, कितनी ओपनिंग है उसको डिपेंड करता है, डिफरेंस इन इंटी एक्सटीरियर प्रेशर। अगर आपके सिंगल ओपनिंग एक तरफ ओपनिंग है यहाँ से अंदर आ रही विंड, उसको बोलेंगे सिंगल शेड वेंटिलेशन। अगर दो तरफ से ओपनिंग है यहाँ से भी अंदर आई, यहाँ से भी अंदर आई, घूम के यहाँ से बाहर निकल रही, यहाँ से अंदर आ रही, घूम के यहाँ से बाहर निकल रही है, क्रॉस हो रहा है, तो एक दूसरे क्रॉस वेंटिलेशन। स्टैक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से आई रही, पहले ऊपर से भी खुल रहा, ऊपर से भी अच्छे से हवा पास हो रही, यहाँ से आई ऊपर से अच्छे से हवा पास हो रही, तो इससे बहुत पूरी तरह से बढ़िया वाले हवा पास हो रही, तो क्या बोलेंगे अपन, दैट इज स्टैक वेंटिलेशन। ये सब कुछ था, तो इसी के साथ यार थैंक यू सो मच आप सभी का, जो भी आए हैं जुड़े हैं। ठीक है, बाकी यार जो भी अगर है तो आप कोर्स चल रहा है नाटक का, नाटक आप क्रैश कोर्स चल रहा है, तो नाटक क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल हो सकते हो। अभी 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी फायदा उठाएं। नाटक का क्रैश कोर्स अभी हम जो चल रहा है ऑलरेडी रन हो रहा है, दैट इज नोन एज अचीवर्स बैच, अचीवर्स बैच फॉर नाटक 2023। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, 20% ऑफ चल रहा है जल्दी से, सब तरीके अकेडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर कोड यूज करना बोले, मेरा कोड आपके पास मिल जाएगा, दैट इज UDA10। कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, UDA10। आप चाहे तो जल्दी से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, UDA10 कोड यूज करना, UDA10 आपको मिलेगा सीधा क्या, 20% डिस्काउंट अचीवर्स बैच के ऊपर, नॉट अराउंड 20 अचीवर्स बैच पे 20% डिस्काउंट के साथ UDA10 कोड आपको मिलेगा। ठीक है ना, UDA10 कोड यूज करें और 20% डिस्काउंट से इधर पाएं सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और आपको मिलेगा अच्छा खासा डिस्काउंट है। और इसकी लास्ट है वैलिड ऑफर है, दैट इज 26 मई, 26 मई तक की ऑफर है इसका, 26 मई के बाद इसका ऑफर नहीं है। ठीक है, तो 26 मई, 26 मई तक है, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है ना, चाहे तो आप जल्दी एनरोल हो सकते हैं इस कोर्स के अंदर, कोर्स ले सकते हैं, तो बहुत जरूरी है, कोर्स लेंगे तो बढ़िया है। नाटक की प्रिपरेशन करें, नाटक का सेकंड वाला अटैम्प्ट फोकस करें, चाहे थर्ड वाला अटैम्प्ट फोकस कर रहे हैं, दोनों के लिए आपको कोर्स बेनिफिट रहने वाला है, दोनों के लिए बेनिफिट करेगा कोर्स आपके लिए। ठीक है, दोनों के लिए आपको कोर्स बेनिफिट करेगा, सेकंड वाला अटैम्प्ट के लिए भी बेनिफिट करेगा और थर्ड वाला अटैम्प्ट के लिए भी आपको कोर्स बेनिफिट करने वाला है। ठीक है ना, ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।